हाँ दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, मैं एक फिल्म बना रहा था हत्या चक्र। मेरे हीरो थे अविनाश वधावन। अविनाश वधावन के साथ मैंने एक नई लड़की को साइन किया था, हेमा लड़की का नाम था, और उसकी शक्ल हेमा मालिनी से बहुत ज़्यादा मिलती थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी जैसे हेमा मालिनी ही हो। हेमा मालिनी की बेटी की भी शक्ल इतनी नहीं मिलती थी जितनी उस लड़की की हेमा मालिनी से शक्ल मिलती। हम लोगों ने उस लड़की का फोटो सेशन किया, थोड़ी सी पब्लिसिटी करी, गाने की रिकॉर्डिंग करी। अभी शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन हैं, तो मैं वो फिल्म करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप अपनी पिक्चर से निकाल दीजिए, मैं आपकी फिल्म नहीं कर पाऊँगी। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने सोचा कि लड़की को इतनी अच्छी फिल्म मिल रही है, इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, तो उसे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ओके, मत करो। फिर मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि कौन है प्रोड्यूसर, कहाँ रहते हैं, कैसी फिल्म बना रहे हैं। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि विरार में उनका ऑफिस है, और ऐसी जगह का नाम लिया उसने जहाँ ज़्यादा लोग, पैसे वाले लोग नहीं रहते थे। तो मुझे एक झटका सा लगा। मैंने उस लड़की को समझाया कि देखो, अगर कोई अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को और अभिषेक बच्चन को साइन करता है तो लाखों रुपये शुरुआत में इन्वेस्ट करता है, तो जो आदमी लाखों रुपये का इन्वेस्टमेंट पहले से ही करेगा वो ऐसी जगह ऑफिस नहीं लेगा जहाँ तुम मुझे बता रही हो, तो ये शायद फिल्म ना बने। तो उस लड़की ने बोला नहीं सर, उनके ऑफिस में अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का, अभिषेक का फ़ोटो लगा है, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर में उनका अपना नाम है, डिज़ाइन लगा है। तो मैंने कहा कि डिज़ाइन तो कोई भी लगा सकता है और मेरे हिसाब से सब गलत बात है। मैंने उसी समय अपने कुछ जो दोस्त हैं उन लोगों को फ़ोन करके कन्फर्म किया, तो पता लगा कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं और इतनी बड़ी पिक्चर कोई बनी नहीं रही उस समय। लड़की को बहुत समझा, लड़की नहीं मानी, लड़की ने हमारी फिल्म नहीं करी। लड़की कई साल तक उस लड़के के चक्कर में जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था घूमती रही, और वो फिल्म कभी नहीं बनी क्योंकि बनना ही नहीं थी। उसके बाद मुझे वो लड़की एक दिन मिली, काफ़ी हेल्थी हो गई थी, इतनी खूबसूरत थी, शक्ल बहुत काफ़ी हेल्थी हो गई थी, हीरोइन बनने लायक नहीं रही थी। मुझे आके कहती सॉरी सर, आपने बिल्कुल सही कहा था, जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे साइन किया था वो फ्रॉड निकला और उसने कोई फिल्म नहीं बनाई और मुझे इतने दिन घुमाता फिराता रहा, मेरा गलत इस्तेमाल भी किया, तो मैं अब काम करना चाहती हूँ। लेकिन तब तक बहुत बदल चुकी थी लड़की, हीरोइन लायक रही नहीं थी, अपना कैरियर ख़राब कर चुकी थी, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी थी। हमने दोबारा काम किया, मेरी एक फिल्म मैंने उसे लिया, लेकिन शायद अगर उस समय वो सही कदम उठा लेती, समझ जाती, तो वो आज हीरोइन होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रॉड से बचाती हैं। अगर वो लड़की उस समय ये सोचती कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन को साइन करने वाला प्रोड्यूसर विरार में एक छोटी सी जगह ऑफिस क्यों लेगा, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो लड़की बच जाती। कभी भी आपको भी ऐसे ही लोग मिले जो आपको सपने दिखाएं, बड़े बड़े सपने दिखाएं, तो उन सपनों की गहराई में घुसने की कोशिश करिए, आपको रास्ता खुद मिल जाएगा। अगर आपको लगे कि वो सच है तो आप जुड़े रहिए, वरना तुरंत हट जाइए, क्योंकि यहाँ इस तरह के सपने दिखाने वाले बहुत लोग हैं, अपने छोटे से फायदे के लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। यहाँ पर लोग 100 रुपए के लिए, अपने 100 रुपए बनाने के लिए आपके हजारों रुपए डुबा देंगे, लाखों रुपए डुबा देंगे। तो बचिए ऐसे नकली प्रोड्यूसरों से, बचिए, समझदारी से काम लीजिए, दिमाग आपके पास भी है।